मूवी देखा है? कौन सा? बाहुबली का मूवी। बाहुबली, हाँ बाहुबली जो मूवी था ना, उससे मतलब यहाँ से सीन लिया है ये मूवी का। से हाय बांग्लादेश। एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज माइलीलोंग। माइलीलोंग। हे एवरीवन, तो हम दोनों कल आए थे शादी के बाद पहली बार घूमने के लिए, और कल तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लॉन्ग वीडियो, और मैंने सोचा दो ही दिन हम यहाँ पे रुकेंगे तो एक वीडियो शूट करते, कहाँ जाते, क्या करते, कितना घूमते, तो आप सबको भी दिखाते। और सबसे पहली बात कि बहुत लेट हो चुका है, हमें बहुत जल्दी से जाना है। मुँह देखो काला हो गया है, मुझे बहुत डांट रहे हैं, तो जल्दी से अभी चले जाते हैं, बाद में दिखाएंगे सबसे। कहाँ पे जा रहे और ये देखो हम कहाँ पे आए हैं। एक साइड में क्या बोलते उसको, बादल है, हाँ एक साइड में बादल है, एक साइड में जंगल है। दिखाती हूँ कितना सुंदर, देखो मत। ओह माय गॉड, ये सेम सेम बट डिफरेंट। ओह माय गॉड। और अभी हम आए हैं दूसरे जगह पे, यहाँ पे टिकट देके आना पड़ा। हाँ, और आज हम घूमने जा रहे थे डाउकी, है ना, डाउकी जा रहे हैं ना आज हम घूमने जा आए हैं डाउकी, शिलोंग से, शिलोंग टाउन से थोड़ा दूर। बहुत ही सुंदर सुंदर देखने को मिलेगा, इसको डाउकी बोलते। तो वहाँ पे आए हैं अभी, लेकिन रास्ते से जा रहे थे हम दूसरे जगह पे रुके हैं, जहाँ पे साथ मेरे फलक तक चल, साथ चल फलक तक चल, साथ मेरे फलक तक चल, चल। इसका सच चकरा रहा है अभी। मैं सच बताऊं, मैं ऊपर आ गई हूं, फोटो ऊपर तो चढ़ गई, पर इसका अभी सर चकरा रहा है, चकरा रहा है ये सब देख के। नीचे उतरो। ऐसा ना, मैं सोच रही हूँ कि हम यहाँ पे इतना सारा वीडियो कर लिया, अभी जो और सुंदर सुंदर प्लेस पे जाएंगे ना हम, तो कितना मतलब वीडियो करेंगे। यहाँ से इतना वीडियो हो गया। हाय, मैं इनसे मिली अभी, तो मैं शिलोंग डाउकी है ना, शिलोंग डाउकी पे आई थी, तो ये मुझे मिली है, मेरी वीडियो देख के आप बहुत क्यूट हो सच्ची में। थैंक यू। कितना गरम गरम है, ये मेरा है, ये भी मेरा है, ये दोनों मेरा है, नहीं ये इनका भी, मेरा पेट इतना सारा है तो मैं ज़्यादा खा नहीं पाऊँगी। तो हम कौन से ढाबा पे, पता है वो जो लड़की मिली थी ना उसकी ढाबा ही है, यहाँ पे हम खा रहे हैं। मेरे फिर से क्यों खा रहे हो, ये गलत बात है बिल्कुल, मजा आता है ये, मेरे फिर से खाते हैं, चलो खा ले तो जल्दी से जाते हैं। ये बादल की चादर, ये अभी हम कहाँ पे आए पता है, डाउकी, और मतलब हम जिस जगह पे खड़े हैं ना ये इंडिया है, और जो ये है ना बिल्कुल भी, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश किधर से जाते हैं मुझे नहीं पता। हाँ ये देखो, ये जो सभी है ना, ये जो सभी है उस तरफ बांग्लादेश है, और हम जिस तरफ है उस तरफ इंडिया है, समझ सकते हो, मतलब इतना सुंदर लग रहा है ना। हाँ तो अभी जाते हैं, अब ना इस नदी को क्या कहते हैं, डाउकी। हाँ ये नदी जो है इसका खासियत क्या है पता है, बहुत साफ पानी है। हाँ इस तरफ पूरा बांग्लादेश देखो, लोग नहा रहे, घूम रहे, फोटो उठ रहे, और इस तरफ हमारी तरफ, इन हाय बांग्लादेश। अभी हम घूमने के लिए जाएंगे बोट पे से होके, और पूरा दिखाएंगे। और ये हमारा बोट है ना, हम इस पे जाएंगे। हाँ इनको यहाँ पे बिठा दिया मुझसे दूर, और मैं यहाँ पे मस्त तक चल, साथ मेरे फलक तक चल, साथ चल फलक तक चल, साथ मेरे फलक तक चल। मुझे तो यहाँ पे अभी नहाने का मन कर रहा है। मछली मिलता है 10 केजी, 20 केजी, हाँ 30 केजी, 40 केजी यहाँ से मिलता है। हाँ यहाँ से,
एनाकोंडा साफ है? इधर में नहीं। एनाकोंडा साफ होगा? मूवी एनाकोंडा मूवी में ऐसा होता है ना, कुछ कुछ हाँ कुछ कुछ सीन होता है ना। तो मैं इतने देर से बैठ के सोच रही हूँ कि कोई एनाकोंडा ना यहाँ से निकल के आ जाए। वैसे आप लोगों का तो अच्छा है, रोज रोज घूम सकते हो, रोज देख सकते हो। हाँ, हम लोग तो बोर हो गए। ये काम कर दो, आपका ड्यूटी हमको दे दो। हम करेंगे तो हमको रोज अच्छा लगेगा। रोज कैमरा ऑन करके हम बैठे रहेंगे इसे। कोई पानी बैठ सकता है। हम पानी बाहुबली का मूवी देखा है? कौन सा? बाहुबली का मूवी। बाहुबली हाँ, ऐसा सीन होता है ना। हाँ 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 ऐसा। हाँ यहाँ से लिया है, पूरा उधर तक लिया है। वो वाला सीन यहाँ पर था, ये भी पत्थर भी लिया है। ये सुंदर ना यहाँ पे। बाहुबली जो मूवी था ना, उससे मतलब यहाँ से सीन लिया है ये मूवी का। हाँ हाँ हाँ, मैं मतलब हाँ थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है। हाँ, ओ माय गॉड, कितना सुंदर। मैं बैक कैमरा से लोग ये शूटिंग करने के लिए आता है ना। हाँ 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 तो भैया हमको बता रहे इस जगह के बारे में। भैया तो यहाँ पे है ही, बचपन से हो भैया आप यहाँ पे? यहाँ पे हम बचपन से। हाँ भैया बता रहे हैं, यहाँ पे कपल्स लोग आते हैं शादी के बाद, एनिवर्सरी हनीमून वगैरह वगैरह ना, सब आते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको जंगल में मंगल करने के लिए तो कोई कुछ रोकेगा नहीं। हाँ। तो आते हैं यहाँ पे, हमें भैया बता रहे हैं। हम मेरे पतिदेव को छोड़ के जाऊंगी, मैं नहीं रुकूंगी। मेरे जो पतिदेव है ना भैया, उनको छोड़ के चली जाऊंगी। आइए आप दोनों आइए यहाँ पे। मैं उनको छोड़ के चली जाऊंगी, उनको बहुत अच्छा लगेगा है ना। वो अकेले अकेले घूमेंगे, मैं सिलचर सीधा चली जाऊंगी। 1931 का ब्रिज है, ब्रिटिश ने बनाया था ना। ये ब्रिज अभी तोड़ देगा? अभी ये वाला नहीं तोड़ेगा, ये पुराना वाला ऐसा ही है। मतलब ये रहेगा ऐसे ना, नया वाला बना देगा। ये हेरिटेज के हिसाब से रख देगा, एक हिस्टोरिक हिसाब से। अच्छा अच्छा, ये जो सामने जो ब्रिज है इसके बारे में बात कर रही है, जो दूर जो ब्रिज हम क्रॉस करके आए थे। हाँ यही ब्रिज, यहाँ से जो ये पुराना वाला ब्रिज ना। हाँ हाँ, सिर्फ आदमी लोग जाएगा। अच्छा, फोटो खींचने के लिए जाएगा। अच्छा हाँ हाँ, वो फोटो वोटो खींचने के लिए जाएगा क्योंकि पुराना है। तो डायरेक्ट आप लोग डायरेक्ट हाईवे से निकलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो डाउकी नदी कहते हैं ना, तो विलेज का नाम है। डाउकी विलेज का नाम है, विलेज का। हाँ हाँ हाँ, और का नाम है उमंग रिवर। क्या रिवर? UMNG उमंग, उमंग रिवर, उमंग रिवर। अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं था इतनी देर। जो भी टूरिस्ट आता है वो बोलता है ये डाउकी रिवर है, डाउकी रिवर है, लेकिन हम लोग उसको बोला है डाउकी, तो विलेज का नाम है, रिवर का नाम है उमंग रिवर। हाँ, रिवर का नाम है उमंग रिवर और डाउकी तो जगह का नाम है। हाँ, विलेज प्लेस का नाम है। और तो हमारा पूरा रिवर घूमना अभी हो गया। भैया ने बहुत अच्छे से हमको घुमाया, सच्ची में बहुत कुछ बताया इस जगह के बारे में। और बहुत अभी अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ। भैया बता रहे अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बांग्लादेश साइड दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो अभी भी खत्म नहीं हुआ, चलो हम बांग्लादेश साइड देख के आते। हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ, अच्छा। से हाय बांग्लादेश, से हाय बांग्लादेश, उधर मैं उधर, बांग्लादेश उधर है, उधर बोलो से हाय बांग्लादेश। से हाय बांग्लादेश, हम भी आ रहे हैं आप लोगों के पास। तो बाय बाय बांग्लादेश और बाय बाय उमंग नदी, हम अभी चलते हैं दूसरे जगह पे। बहुत ही मजा आया ना, बहुत ही सुंदर था, मजा आया। जो भैया थे वो बहुत ही एकदम मस्ती वाले थे, बहुत बातें की हम लोगों ने। चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदे, सच कर दे सपनों को सभी। आंखों को नीचे नीचे, मैं तेरे पीछे पीछे। तो शुरुआत होती है इस प्लेस की यहाँ से। हाँ यहाँ से शुरुआत होती है और दूर यहाँ से गांव जाते हैं अंदर। बहारों के छत हो, दुआओं के घत हो,
एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज माइलीलोंग। माइलीलोंग हाँ गाँव तो सबसे साफ सुथरा गांव ये। सब लोग कह रहे हैं कि ये एशिया का सबसे साफ सुथरा विलेज है। हाँ सच्ची में बहुत ही सुंदर है और बहुत ही साफ सुथरा है। लेकिन हम लोग जो आसाम में रहते हैं ना और ऐसे गांव में रहते ही है हम तो मुझे ऐसा सेम सेम लग रहा है ना हम लोग को। मतलब मैं ऐसा यहाँ पे आके बोल रही हूँ कि इसमें मतलब मुझे कुछ खास नहीं लग रहा। सुंदर तो बहुत ही है, सुंदर है, इतना सुंदर है। लेकिन मैं जो बचपन से हम लोग गांव में थे, गांव को देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है नहीं हमारे जो हम जो जिस गांव में रहते हैं इससे थोड़ा बहुत ऊपर है। लेकिन मुझे लगता है नहीं ठीक है, सही है, सही सही है। मुझे कुछ हाँ बहुत ही सुंदर है और हमने पूरा देख लिया गांव घूम फिर के कितना क्लीन है। बिल्कुल मेरी तरह लोग बोलेंगे हम शहर से आके गांव घूम रहे हैं, हम लोग बोलेंगे हम गांव से आके गांव घूम रहे हैं। नहीं अभी भूख भी लगी है, किसी के घर में थोड़ा सा खाना दे दे मुझे। दे दो कोई तो खाना दे दो भगवान के नाम में, कुछ खाना ही दो। लोगों का घर है यहाँ पर, लोगों का घर भी है। कोई अगर होम स्टे में रहना चाहता है तो यहाँ पर होम स्टे का फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप आराम से आके रह सकते है, घूम सकते है। बाकी क्या बोलो, खा सकते है, खा भी सकते। होम स्टे मतलब खाना और वो हो गया ना, रहना और खाना दोनों हाँ। हो गया ना। चलो अब गर्मी लगी, अब जल्दी से जाते कुछ खाते। मैं तो सोऊंगी गाड़ी में, ये लोग जाएंगे ठीक है। और एक बाकी है अभी। क्या कहाँ जाना? अच्छा और एक जगह बाकी है। अच्छा मैं तो भूल गई, और एक जगह बाकी है। आज पता नहीं मेरा ब्लॉग कितना लंबा होगा बस आप लोग देख लेना, शायद दो पार्ट में ब्लॉग आएगा शायद। कल भी तो जाना है कहीं पे, कितना वीडियो उसका और एक दो पार्ट में आएगा ठीक है। अब दूसरी जगह पे जाना है तो चलो दूसरी जगह पे जाके दिखाते। और अभी हो गया खाना पीना, अभी यहाँ से चलते हैं दूसरी जगह पे, क्या पता नहीं यहाँ पे देखने के लिए। तो चलो चलते हैं। अभी हम कहाँ पे आए हैं? रूट ब्रिज। रूट ब्रिज ये कैसा होता है, क्या होता है, मुझे भी नहीं पता। चलो आगे जाके देखते हैं। ये सीढ़ियाँ पूरा चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की तरह है, जो मेरे शाहरुख खान तो मुझे बस हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। वही कर सकता हूँ अभी। हाँ गोदी में उठा के, नहीं मेरे से नहीं होगा, डायरेक्ट दोनों को नीचे चला जाएंगे। सुनो 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 लड़कियों, सुनो सुनो, बस शादी कर लो। शादी करने के बाद कोई शाहरुख खान इसे गोदी पे लेके नहीं उठाता है, वो सब शादी से पहले ही उठा है। छोड़ो छोड़ो। ओ अच्छा तो इसका मतलब ये होता है, रूट ब्रिज का मतलब पता है क्या है? इतनी देर से जो हम बोल रहे थे ये है कि नेचुरल जो है ना, एक पेड़ ने पूरा ब्रिज बना दिया इसका है। हाँ जो पेड़ है उसके जड़ से पूरा ब्रिज बना डाला। हाँ तो ये इसको ही बोलते हैं रूट ब्रिज। ओके चलो दिखाते हैं आप सबको भी। बैठा है खिड़की पे तेरे, इस बात पे चांद बिगड़ा, कतरा कतरा वो पिघला, भर आया आंखों में मेरी। तो सूरज डुबा दूं तुझे मैं, सजा दूं सवेरा तुझसे कल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक। इतना ऊंचा उठने के बाद और इतने नीचे जाने के बाद पूरा थक चुके हैं और देख के आ चुके हैं। मतलब हम तो वीडियो नहीं कर पाए, इतना कौन वीडियो करेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इतना सीढ़ी है ना, इतना सीढ़ी है कि इतना नीचे जाना पड़ता है और उठने टाइम तो ऐसा सीढ़ी हो जाएगा। हाँ उठने टाइम तो ऐसा बिल्कुल, तो 100 सीढ़ियां हो जाएगा। हाँ और पता नहीं अभी हम यहाँ से और कहाँ पे जाएंगे, या सीधा रूम पे चले जाएंगे। तो अगर कहीं पे जाते हैं दिखाएंगे, नहीं तो सीधा रूम पे चलते हैं, और मुझसे घूमना नहीं जा रहा। बाय बाय। और फाइनली हम लोगों का घूमना ख़त्म हो गया और अभी मैं तो एक नींद पूरा करके उठ चुकी हूँ। अभी चलो हम लोग रूम पे चले जाते हैं। और आप सबको अगर वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना,
और नई नई वीडियो आती रहेगी, तो आप लोग प्लीज देखते रहना। पता है बहुत ही लंबा वीडियो हो चुका है, पर क्या करूं, प्लीज आप लोग देखते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो टाटा बाय बाय।